स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, नई वीडियो में गाइस। तो अभी सो के उठा हूँ मैं, रात को पता नहीं 4 बजे सोया, नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। ये भ्रम नहीं टूट रहे मेरे को, ये भ्रम तोड़ रहे हैं, मेरे को नींद आया भाई। तो आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क घूमने, काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, सब दोस्तों को बोला था कि भाई चलेंगे चलेंगे चलेंगे, सोनू तो है ही और भी है ना 2-4, उनको बोल रखा था। तो आज जाके वे यार ये कूड़े वाला बड़ा परेशान करता है यार, सुबह सुबह मेरी गली में नहीं आएगा, बाकी पूरी दुनिया में जाएगा, यहाँ हॉर्न बजाता रहेगा। तो इसको अवॉइड करते हुए अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं, उसके बाद आपको रेडी होने के बाद दिखाते हैं कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कौन से वाली में जाना है, कितनी एंट्री फीस है, कैसा है, क्या क्या झूला है, अच्छा है बुरा है, सब आपको डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। धीरे धीरे सीख रहे हैं आपके प्यार की वजह से, तो मिलते हैं अभी आपको रेडी होके। तो रेडी हो गए हैं गाइस, फर्क कुछ नहीं आया है, खाली कपड़ा चेंज किया, मुंह धोया और कोई फर्क नहीं आया, ताजमहल नहीं निकलेगा निकलता हुआ, ठीक है, टिकटॉकर वाला काम नहीं चल रहा है। तो अब रेडी हो गए हैं, अब बस निकलते हैं। मेरे को तो उन्होंने टाइम दिया था कि भाई 10 बजे चाहे कुछ भी करके निकलना है, भाई 10 बजने में 2 मिनट ही बाकी हैं, अब देखते हैं कितनी जल्दी निकलते हैं। बस अब चश्मा भी हट ही जाएगा 1-2 दिनों में, क्योंकि बताया होगा मैंने आपको इंस्टाग्राम पे कि मेरा आँखों का ऑपरेशन है, फिर वैसे ही चूतिया लगता था, अब और अल्लड़ लगूंगा, पहले पुलिस से बचता था, अब पुलिस की नज़रों में आऊँगा, कहाँ कुछ ना कुछ करता है तू, इसमें किया है पक्का, चश्मा फिर भी घुमा करूँगा मैं। तो गाइस अब निकलते हैं थोड़ी देर में, जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुँचता हूँ उनसे बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ, बने रहना। तो गाइस हम सब आ गए हैं घर से, सब निकल गए रेडी होके, सब यहाँ पे आ गए हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:40। अब यहाँ से 2 घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं, 1.5 घंटे का। कहाँ जा रहे हैं हम? जुरासिक पार्क, वाटर पार्क है, ठीक है, जुरासिक मेरे मुंह से निकल रहा था, पता तो होता नहीं है, जुरासिक पार्क है, ठीक है गाइस, वहाँ जा रहे हैं हम। तो अभी तो हम GT करनार रोड पे आ गए हैं, और देखो कितनी मस्त लग रही है थार चलते हुए सामने, तुम्हारे भाई की भी होगी एक टाइम पे ऐसे दिखना। अभी सोनू भाई बताओ कैसा लग रहा है आपको वहाँ जाके? बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाते। सही बताओ, गांड फट रही है, सच बताओ ना, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे। गर्मी में गांड फट रही है। हाँ, यहाँ पानी भरा यहाँ पे पानी, पसीना पसीना हो गया। समीर भाई आप बताओ? भाई से फुल मजे आ रहे, फुल रात में चावल खाया है अभी सारे भाइयों ने, मजा ही मजा आ रहा है। ये देखो औजार लेके चल रहे हैं, वाओ भरम तोड़ देंगे। प्रिंस भाई आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? भाई फुल मजा आ रहा है, बस अब जाके देखते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए अपना जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क पहुंच गए हम, थोड़ी सी दूरी है, अभी हमने यू टर्न लेके ले लिया है, अभी आपको यहाँ से दिखेगा, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो गाइस हम लोग आ गए हैं, और सारे बंदे ओए इधर आओ, इधर इधर अबे इधर, पहले इधर आ, यहाँ थंबनेल बना रहा है, इधर आओ सोनू, इधर प्रिंस, इधर सारे इधर आओ, पहले थंबनेल बनाना है, जल्दी आ। हाँ तो थंबनेल अपना बन गया है, यही थंबनेल लगेगा, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे बढ़िया से। अब बहुत कम भीड़ है गाइस, और सही है कम भीड़ है यार, हमें तो व्लॉग करना था और अपने इन्जॉय करना था, भीड़ में ना बढ़िया से इन्जॉयमेंट नहीं हो पाती, जब इन्जॉय करना आता है बंदा तो फिर भीड़ में आओ, और जब ऐसे शूटिंग वूटिंग की जगह जाते हैं, व्लॉग की जगह जाते हैं, तो भीड़ हमेशा कम ढूंढता है लड़का। क्राउड होना अच्छा ही बात है, लेकिन इतना ना हो कि हमें अपना काम करने का मौका ना मिले। तो अभी इधर फोटो वोटो खींच ली थोड़ी बहुत, फिर अभी अंदर जाके आपको एंट्री टिकट वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि अंदर एक चार्ट है बड़ा सा, इन्होंने बोर्ड पे लगा रखा है, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप सोच रहे हो मैं इतनी सीरियस करके वीडियो बना रहा हूँ, तो अब प्रोफेशनल हो रहे ना धीरे धीरे बाबू, इसलिए। और कुछ भाई ने भी कहा था कि आप किसी रैंडम की ऐसे वीडियो मत लिया करो बिना उनके परमिशन के, तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, मुझे उन्होंने सजेशन किया और बोला गाली थोड़ा कम दिया करो व्लॉग में, तो मैं थोड़ा गाली कम देने की कोशिश करूँगा। बैंडचोद क्या कर रहे हो? चलो ठीक है गाइस, अभी आपको अंदर का दिखाते हैं सीन, पर पर्सन कैसा चार्ज है और कैसा है यहाँ, आपको बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। आप जब भी आओ तो आराम से देख के समझ के आओ कि क्या रेट है, किधर के किस हिसाब से है, पर पर्सन कैसा है, ओवरऑल कैसा है। अगर खाली आपको पानी वाली राइड चाहिए तो उसका अलग है, अगर आपको पूरी जो इसके अंदर झूले वगैरह हैं उसका चाहिए तो उसका अलग है। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी स्क्रीनशॉट की, आपने ऑलरेडी इतना अच्छे से देख लिया होगा। ये टिकट काउंटर है, बहुत ही कम भीड़ यार, मतलब ना के बराबर भीड़ है। जैसे कि अभी नया खुला है या फिर इसका सीजन ऑफ हो गया ऐसा चल रहा है। और देखो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो, वहाँ से अभी आप क्वेरी कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। और यहाँ आपकी पार्किंग लग जाएगी, 50 रुपये यहाँ पार्किंग लेते हैं 4-5 घंटों के लिए। तो गाइज यहाँ से एंट्री हो गई, यहाँ पे आपका बैग वैग चेक किया जाएगा आपको, मतलब कि खाने पीने का चीज़ यहाँ अलाउड नहीं है और कोई ऐसा डेंजरस आइटम यहाँ आप अलाउड नहीं कर सकते, सबको पता है ये वाली बात, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे चेक किया जाता है। और यहाँ से ये एंट्री है, बाकी धीरे धीरे मैं आपको सब दिखाता हुआ चलूँगा। तो गाइज एंट्री हो गई है, अब यहाँ पे यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो गया। और आपको ऐसे एक बैंड दिया जाएगा कि आपने कौन सा पास लिया है, जो आपकी एंट्री पास है उसी के हिसाब से ये बैंड है। अब यहाँ से हमें आगे की साइड जाना है जहाँ चेंजिंग रूम होगा, या फिर वहाँ से बात करनी पड़ेगी कि हमें कौन कौन सी राइड मिलेगी। आप देख सकते हैं ये सब। सब कुछ हो गया, अब हम यहाँ पे आ गए नहाने के लिए। वो बंदे वहाँ उन्होंने कूदा पानी स्टार्ट कर दिया। देखो आप यहाँ पे आओ ना, रुक जा बताना थोड़ा सा। जब आप यहाँ पे आओ ना तो आप अपने घर से कच्छा लेके आना नायलॉन वाला, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत महंगा 150 रुपये का एक अच्छा दिया जाता है। और ये जो हमने लिया है, ये जिसपे बंदे क्या कहते हैं, कुछ भी कहते होंगे यार, इसका नाम नहीं पता, ये भी आपको अलग से यहाँ मिलता है पर बंदे का। तो आप एक लेके अपने सारे दोस्तों के साथ इन्जॉयमेंट कर सकते हो। और नायलॉन का कच्छा आपको आपने घर से लेके आना गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत महंगा पड़ेगा। टावल 50 रुपये की सिंगल है पर बंदे के लिए, और भी बहुत चीज़ें जो अलग अलग प्राइस की अलग अलग है, मैं दिखा नहीं पाया उस वक्त, और जब निकलूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। वहाँ पर सब प्राइस रेट है सब कुछ वहाँ लिख रखा है साफ साफ। तब बकचोदी बंद करते हुए अंदर जाते हुए तो गाइस अब हम इस वाली राइड पे जा रहे हैं, इस वाली राइड पे समीर तो घूम के आ गया, अब हम भी जा रहे हैं। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, भीड़ कम है ना और ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस चक्कर में। अभी वहाँ से चढ़ के दिखाएंगे, पर इनको आन दो। तो गाइस अब हम ऊपर वाली राइड पे आ गए, यहाँ से ये राइड होगी, ये वाली राइड है, अभी आपको दिखाते हैं। ओ भाई हवा निकल रही है अभी से, भाई एक नंबर है यार। गाइस आना जरूर, 700-800 रुपये में बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पे। ये रहा ये वाली राइड्स है, और ये नीचे तक जाएगी एकदम, अभी आपको हम जाके दिखाएंगे। कैसा एक्सपीरियंस है ब्रो? घाट फाट एक्सपीरियंस है भाई। अब हम निकल रहे हैं अंदर, ये भाई बच गए, जीवित आ गए, जीवित आ गए, एकदम जीवित आए। हमारी जलपरी लेटी है, और ये हमें जलपरी को परेशान करने के लिए मछुआरे आ गए, और वो मछुआरे के साथ जहाज लेके आ गए मछुआरे को पकड़ के। जलपरी तू तो गई आज, ये सब आ जाओ जल्दी आओ वहाँ पर, और वेव वाले में चलेंगे ना, आओ। तो भाई हम जा रहे हैं अपने वेव वाले में, वेव वाले में घूमेंगे। हमने इस वाले में झूल लिया, उधर वाले में झूल लिया, और इधर जितने भी है छोटे मोटे कभी भी चल गया। अब ये बच्चों वाला है, इसमें भी जाके एक बार देख लेंगे, टाइम पास कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं वेव वाले में, आपको लेके चलते हैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी।
फिर आपको दिखाते हैं वहाँ वेव कैसे आ रही है, कितना पानी है, कितना क्राउड कैसा है। हम इस वाले में आए थे वेव ढूंढ ढूंढ के, वेव आएगी लंड, वेव नहीं आ रही इसमें ऐसी है। जब क्राउड होता ना तब जाके इसमें वेव आती होगी, ऐसे नहीं आ रही। अभी गाने वाने बज रहे हैं, अभी इसके अंदर इंजॉय करेंगे थोड़ा सा, फिर चलेंगे। यहाँ से एंट्री है, यहीं से घुसना, तापना अपना नहीं है और कहीं से, ठीक है तुम लोगों को बता रहा हूँ। हम इस वाले में आ गए जिसके अंदर वेव आती है, अब हम वेव का मजा लेंगे। वेव देखिए यहाँ पे क्राउड धीरे धीरे होते जा रहा है ना, अब शाम हो रही है तो यहाँ क्राउड भी बढ़ता ही जा रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अब आएगा ना मजा, आप वेव में जब ऊपर नीचे होंगे ना तब पता चलेगा। मैं देख ले पिक्चर कर दूंगा, हंसी मजाक नहीं है बाबा, मैं नहीं दे रहा। इन चोचलों में मत पड़ो, मत ना आराम से इज्जत से, जिंदगी एक बार मिलती है ढंग से जी लो भाइयों, बढ़िया से जियोगे तभी तो रहोगे, वरना अपने आप को कोसते रहोगे क्या किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, वो लोग वहीं नाच रहे हैं, वहीं गा रहे हैं, वहीं डांस कर रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, और मैं करूँगा जिपलिंग। ये आपको दिख रही है यहाँ पे तारे, ये जो तारे हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा सही से, यहाँ पे तारे इस पे उधर से लेके इस साइड तक आऊँगा, अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हम जिपलाइन करेंगे, सबसे टॉप से है यहाँ से वहाँ जाना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जाना होगा। भैया अकेला ही हूँगा मैं, अच्छा आप भी होंगे साथ में, हाँ तो भैया भी साथ में होंगे, सपोर्टर है बढ़िया, वरना कहीं वहाँ रास्ते में फैल जाऊँ। यहाँ से वहाँ तक जाएंगे एकदम सीधा, अब जैसे ही भैया अभी इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो सब पहनाएंगे, फिर साथ में चलेंगे हमारे, अभी आपको दिखाएंगे। बस ये पहना दिया है भैया ने इसके प्रोटेक्शन जो इससे है यहाँ पर जुड़ के, फिर हम यहाँ चलते हैं, भैया भी अपना पहन रहे हैं जब तक, फिर उसके बाद अब आपको दिखाएंगे कैसे होता है क्या होता है। ये पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसमें सिंगल राइड होती नहीं है, भैया खुद ही होते हैं अपने साथ इसको पहन के, तो अभी आपको दिखाएंगे। ओ, 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 ओ गाइस बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला कब आ गए, पेट का पानी ऊपर नीचे हो रहा था बहुत देर तक, ओ मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया। हम दोनों जा रहे हैं ठीक है, प्रिंस और मैं, चलो घूम लिया फिर लिया, बहुत अच्छे सब ने इंजॉय किया, सब लोग बहुत थक गए पानी में रह रहे के, क्योंकि पानी में थकान ज़्यादा हो जाती है सबको, सब गाड़ी में बैठे हैं। तो अगर जिसको भी आना है तो यहाँ पे है, ये अपना लोकेशन डालोगे सबको पता चल जाएगा, नाम पढ़ लो यहीं पे आ जाना है। जुरासिक पार्क यहाँ पे भी इसका बोर्ड है, यहाँ पे भी इसका बोर्ड है, दूर से आपको दिख जाएगा, फ्लाईओवर से यू टर्न लेके सीधा आपकी यहाँ एंट्री हो जाएगी। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि आप लोग भी जा सको, और आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।